आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये देखेंगे जीरो को स्किप करके मैक्स और मिन वैल्यू को कैसे हाईलाइट कराना है। कई लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है, बट आज इस चीज का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और अगर किसी को गूगल शीट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉमेंट करें, कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से ये चेक कर लेते हैं कि हमारी मैक्स वैल्यू है कौन सी। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि है इज इक्वल टू मैक्स और इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कराओ और एंटर। ये हमारी मैक्स वैल्यू आ गई। इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ये सभी रो में से हमारी मैक्स वैल्यू जो है निकल कर आ गई है। अब इसी तरीके से हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी मेन वैल्यू कौन सी है। तो मेन वैल्यू के लिए इज इक्वल टू मेन और ये रो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां तक सिलेक्ट करनी है हमें, ठीक है, और ब्रैकेट बंद एंटर। ड्रैग करते हैं नीचे, ठीक है, हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो भी आ गई। अब देखिए जहां पर जीरो नहीं है वहां पर तो इसने हमें वैल्यू दे दी, पर जिस रो के अंदर इसे जीरो मिला वहां पर इसने जीरो दे दिया। अब ये तो सही नहीं है, मतलब मुझे चाहिए कि भाई जीरो को स्किप करके मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए। वो चीज कैसे निकालेंगे वो भी आज हम देखेंगे और मैक्स वैल्यू भी कैसे निकालनी वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम मैक्स वैल्यू निकालते हैं, मैक्स वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। यहां पर मैं दो कॉलम ऐड कर लेता हूं पहले, ठीक है, यहां पर मैक्स और यहां पर मिन। सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां तक भी आपको हाईलाइट कराना वहां तक आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मेट पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां पर कस्टम फॉर्मूला सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अब हाईलाइट कराने के लिए फॉर्मूला बनाना है, वो फॉर्मूला मैं आपको बाहर बना के दिखा दूं ताकि आप सबको दिखाई दे। क्या करना है, इज इक्वल टू यहां पर ये वाली रो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर इक्वल टू लगाकर मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे और फिर से इस रो को हाईलाइट कर लेंगे। ये हो गया, इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी एरर आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर काम करेगा। इसे कॉपी करा और यहां पर पेस्ट कर दिया। अभी ये देखिए सारी वैल्यूज हाईलाइट हो गई है, बट इसमें एक और चीज आपको करनी है। आपको क्या करना है, ये जो रेंज है हमारी इसके पहले आपको डॉलर का साइन लगाना है जहां पे भी अल्फाबेट है, मतलब ए के आगे और ई के आगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही आप लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया। अब इसको कॉपी करके अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया, डन करता हूँ। ये देखिए हमारी जो वैल्यूज है वो हाईलाइट हो गई। ये चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए 71, 95, 99, 97, देखिए सारी वैल्यूज जो है हाईलाइट हो गई। ये तो इजी था, ये आप सब आराम से कर लेंगे, पर दिक्कत क्या है हमें मिनिमम वैल्यू हाईलाइट कराने में, क्योंकि हमें जीरो भी स्किप करना है और मिनिमम वैल्यू जैसे कि इसमें 38 है ये हमें हाईलाइट करानी, तो ये कैसे होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीरो काउंट कर लेंगे। और काउंट हम कैसे करते हैं, काउंटिव फंक्शन की मदद से, मतलब इज इक्वल टू लगाया, काउंटिव लिखा और यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कोमा लगाया और हमें क्या काउंट करना है, जीरो। तो मैं जीरो यहाँ पे लगा दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा। ये देखिए जीरो यहाँ पे दिखा दिया इसने, एक जीरो है। अगर मैं इसे भी जीरो कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो जीरो हो जाएंगे। ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें जो दूसरे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी वो होगा हमारा स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन हमें क्या करता है, हमें लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले लगाया इज इक्वल टू, इसके बाद लिखा स्मॉल और इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो पैरामीटर लेता है, एक आपका डेटा दूसरा नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मतलब लोएस्ट वैल्यू देखनी है। अब मुझे देखना है कि इस रो के अंदर लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। लोएस्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ वन और एंटर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे जीरो दे दिया। मैं यहाँ पर टू डालता हूँ, टू एंटर करा, फिर से जीरो दे दिया क्योंकि हमारे पास दो जीरो है। अब मैं डालता हूँ थ्री, थ्री डाला और एंटर करा, ये देखिए इसने मुझे क्या दिया, 38। इस रो के अंदर सबसे कम वैल्यू यही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा डायनेमिक बना दूंगा, मतलब मैं इस नंबर की जगह लगा दूंगा काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ लगाया, इस रो को सिलेक्ट करा और कोमा लगाकर हमने काउंट करना है जीरो, जीरो लगाया, ब्रैकेट बंद करा और स्मॉल का भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये मैंने कर दिया और एंटर करा। अभी ये मुझे जीरो दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मुझे टू रिटर्न कर रहा है, टू रिटर्न कर रहा है तो मुझे जीरो मिलेगा, बट मुझे चाहिए थ्री। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा प्लस वन, ये मैंने प्लस वन करा, अब एंटर करता हूँ, ये देखिए आ गया 38। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको पहले ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, यहां से कट करके इधर लिख लेता हूँ और यहां से इसको ड्रैग करता हूँ। अब देखिए क्या वैल्यूज आती है, देख रहे हमारे डेटा की मिनिमम जितनी भी वैल्यू है
जीरो को स्किप करके सारी वैल्यूज यहाँ आ गई है। अब इसे हमें अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू लगाकर जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करिएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस रो को। इतना करने के बाद आप एक और चीज कर लीजिए, यहाँ पर डॉलर साइन लगा लीजिए पूरी रो में अल्फाबेट से पहले, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये, और इस तरीके से यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ और यहाँ। एंटर किया, अभी एरर आएगा। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। अब पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको हाईलाइट कराना है। अब जाइए फॉर्मेट में, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एड अ न्यू रूल, और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कस्टम फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी सेम कलर है मैक्स वैल्यू का भी और मिन वैल्यू का भी, तो मैं मिनिमम वैल्यू जो है उसे रेड कलर से हाईलाइट करा देता हूं। यहां से रेड कलर ले लेंगे, ये देखिए रेड कलर मैंने ले लिया और डन। ये देखिए यहाँ पर मैक्स वैल्यू भी हाईलाइट हो गई और मिन वैल्यू भी हाईलाइट हो गई और जीरो को भी स्किप कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर 38 से कम वैल्यू डालता हूं, जैसे 25, अब ये देखिए ये वाली जो है हाईलाइट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर 71 से भी बड़ी कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे 80, अब ये देखिए ये वाली वैल्यू जो हाईलाइट हो गई है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके की ट्रिक्स मैं आगे भी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।